हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी। जो सब्जी है बिल्कुल हलवा स्टाइल बनकर तैयार होगी। तो शुरू करते हैं, देर न करते हैं रेसिपी को बनाना। तो आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल को गर्म हो चुका है, इसके बाद यहाँ पर मैंने हींग ऐड कर दिया है 1 पिंच और 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दिया है। जीरा हमारा हो चुका है, तो उसके बाद यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की ओनियन को मैंने मिक्सी के जार में डालकर पीस रखा है, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसमें इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और अगर आप ओनियन खाना पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ओनियन को हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लूँगी और बस इसको मैं कंटिन्यू ही चलाती रहूँगी। हमें इसे ना तो बहुत ज़्यादा कुक करना है और ना ही हमें इसे कच्चा छोड़ना है, तो फ्लेम को हाई रखा हुआ है। इस तरीके से मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही भून लूँगी। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा आलू गोभी की सब्ज़ी में हमारी। ओनियन को हमें लगातार चलाते हुए ही भूनना है, फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है और ना हमें ओनियन को जलने देना है और ना ही हमें इसे कच्चा छोड़ना है। तो मैंने यहाँ पर इसमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 टी स्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है। तो मसाले को मैं हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, और कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा क्रस्ट कर लिया है, इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इससे। और यहाँ पर मैंने किचन किंग मसाला इसमें ऐड किया है, जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनकर हमारी जो आलू गोभी की सब्ज़ी है वो तैयार होगी। हलवाई गोभी और आलू की सब्ज़ी को अलग अलग ही डीप फ्राई करने के बाद कच्चे को ही उसके बाद सब्जी बनाते हैं, बट इस तरीके से भी अगर इसको सब्जी को बनाएंगे आप तो बिल्कुल ही हलवाई स्टाइल बनकर तैयार होगी। और खुशबू भी इसमें बहुत ही बढ़िया आ रही है मसालों की बुनी। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको बारीक चॉप कर रखा था उसको ऐड कर दिया है। 2 मैंने हरी मिर्च जिसको स्लाइसिस में कट करके रखा हुआ था तो उसको भी ऐड कर दिया। मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया हुआ है, इसको ऐड कर दिया। और टमाटर को मैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद ही हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ 500 ग्राम गोभी का फूल लिया हुआ था, इसको बहुत ही अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसमें छोटे छोटे पीसीस, ना इसके मैंने बहुत ज़्यादा किए ना इसके बड़े बड़े पीसीस किए, तो मीडियम साइज़ के पीसीस को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। गोभी को बहुत ही अच्छे से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर 4 मैंने मीडियम साइज़ के कच्चा आलू लिया हुआ था, जिसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और दोनों ही चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक ऐड किया है। आप अपनी सब्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से नमक को ऐड कर सकते हैं। और मसाले को इसमें बहुत बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। गोभी में हमारी जो मसाले की कोटिंग है वो बहुत ही अच्छे से हो जानी चाहिए। और इसकी सब्ज़ी की ये ख़ास बात है कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, कि अगर हम इसकी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो इसका टेस्ट है जो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी का बस छींटा इसमें लगाऊँगी, और इसको लो फ्लेम पे कवर करने के बाद ही इसको कुक करूँगी। और मसाले देख सकते हैं आप, गोभी में बहुत बढ़िया से कोट हो चुका है। अगर इसमें हम बहुत ज़्यादा पानी भी ऐड कर देंगे तो ये जो कोटिंग है मसाले की वो गोभी से हट जाएगी। तो मुझे इसी तरीके की गोभी चाहिए इसके लिए, और बिल्कुल खिली खिली गोभी बनकर तैयार होगी हमारी कढ़ाई में। तो इसको देख सकते हैं आप, मैंने कितना कम पानी इसमें ऐड किया है। तो इसको इस तरीके से ही स्टीम में ये बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार होगी। तो इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को मैंने इस टाइम लो रखा हुआ है, तो लो फ्लेम पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यमी बनकर तैयार होती है। तो देख सकते हैं, 1-2 बार मैंने इसको बीच में चला दिया था सब्ज़ी को, और सब्ज़ी हमारी कुक हो चुकी है। तो मैं इसको गोभी को और आलू को चेक कर लूँगी। लो फ्लेम पर सब्ज़ी हमारी 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो गई है, और आप देख सकते हैं इतनी सब्ज़ी घर के 4 मेंबर के लिए बहुत परफेक्ट है। 4 से 5 लोग इसको आसानी से खा सकते हैं। तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, और मैं इसको हाई फ्लेम पे जो भी इसमें मॉइस्चर होगा उसको सुखा दूंगी, जो थोड़ा बहुत इसमें पानी होगा। तो गोभी भी हमारी कुक हो चुकी है, आलू भी हमारे कुक हो चुके हैं, तो इसको कुछ देर के लिए भून लेंगे फ्लेम को हाई करते हुए। आलू गोभी की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, तो इसको डिश आउट कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर बारीक चॉप्ड हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे, धनिया को अच्छे से वॉश करने के बाद ही इसमें ऐड करना है। तो सब्ज़ी को डिश आउट कर लेंगे, धनिया को भी सब्ज़ी में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 1/4 टीस्पून थोड़ा सा गरम मसाले को मैंने इसमें स्प्रिंकल किया है, जिससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और बहुत ही बढ़िया
टेस्टी बनकर सब्जी ये तैयार हुई है। तो हलवाई स्टाइल देख सकते हैं आप, गोभी की सब्जी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा टम्पटिंग लग रही है देखने में भी, और इसको बनाना भी बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आई होप आप सभी को ये पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।